नमस्कार इन खबर में आप सभी का स्वागत है अगले महीने यानी सितंबर एक से रोजमर्रा से जुड़े कई बदलाव होने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि इसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा ईपीएफ से लेकर चेक क्लियरिंग तक के नियम ब्याज एलपीजी नियम कार ड्राइविंग और गूगल की सर्विसेज पर होने जा रहा है बदलाव आइए जानते हैं इन बदलाव के बारे में वो कौन से बदलाव हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं सबसे पहले एक सितंबर से आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यू आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है तो एम्प्लॉयर आपके प्रोविडेंट फंड यानी पी अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ई ने ई पी धारकों को एक सितंबर 2021 से पहले आधार यू नंबर लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है इसके अलावा अगर आप भी चेक से पेमेंट करते हैं तो ये बदलाव आपके लिए जानना जरूरी है एक सितंबर से पचास हजार रुपए से अधिक का चेक जारी करना आपको परेशानी में डाल सकता है दरअसल बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करना शुरू कर दिया है ज्यादातर बैंक एक सितंबर से पीपीएस को लागू करने जा रहे हैं एक्सिस बैंक अगले महीने से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहा है एक सितंबर से एलपीजी सिलेंडरों की कीमत और मिलने के समय दोनों में बदलाव आएगा बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें तय की जाती है वहीं धारानौला गैस सर्विस की ओर से गैस वितरण का समय बदल जाएगा नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में गैस बांटने के समय में बदलाव किया गया है वहीं पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को अगले महीने से जोरदार झटका लगने वाला है दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने 1 सितंबर 2021 से बचत खाते में जमा पर ब्याज दर में कटौती करने वाला है यह जानकारी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से मिली है बैंक ने बचत खातों पर ब्याज दरें सालाना तीन फीसदी से घटाकर दो दशमलव नौ शून्य फीसदी करने का फैसला किया है बैंक के इस फैसले का असर नए और पुराने दोनों ग्राहकों पर पड़ेगा बात कर लेते हैं कार इंश्योरेंस वालों को क्या फर्क पड़ेगा मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जब भी कोई नया वाहन बिकेगा तो उसका बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस अनिवार्य होना चाहिए यह इंश्योरेंस पांच साल की अवधि के लिए ड्राइवर पैसेंजर और वाहन के मालिक को कवर करने वाले इंश्योरेंस के अतिरिक्त होगा बता दें कि बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस में वाहन के उन हिस्सों को भी कवर मिलेगा जिनमें आमतौर पर बीमा कंपनियां कवर नहीं देती है ओ टी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन खरीदना अब महंगा पड़ने वाला है भारत में ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन 1 सितंबर 2021 से महंगा हो जाएगा इसके बाद यूजर्स को बेस प्लान के लिए तीन सौ की जगह चार सौ देने होंगे दूसरे शब्दों में कहें तो यूजर्स को सौ रुपये ज्यादा भुगतान करना होगा इसके अलावा आठ सौ रुपये में यूजर्स दो फोन में ऐप चला पाएंगे साथ ही सब्सक्रिप्शन प्लान में एच क्वालिटी मिलती है इसके अलावा एक हजार चार सौ निन्यानवे रुपये में फोर स्क्रीन पर ऐप को इस्तेमाल कर सकेंगे अमेजॉन लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी बढ़ोतरी होने वाली है अमेजॉन डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से लॉजिस्टिक कॉस्ट में इजाफा कर सकती है इससे एक सितंबर दो से अमेजॉन से सामान मंगाना महंगा हो सकता है ऐसे में 500 ग्राम के पैकेज के लिए अट्ठावन रुपए देने पड़ सकते हैं वहीं रीजनल कॉस्ट छत्तीस दशमलव पांच शून्य रुपए होगी कई ऐप ऐसे होंगे जिन पर अब रोक लगने वाली है गूगल की नई पॉलिसी एक सितंबर 2021 से लागू हो रही है इसके तहत फेक कंटेंट को प्रमोट करने वाले ऐप्स एक सितंबर से प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि ऐप डेवलपर्स की ओर से, से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे ऐप्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा दरअसल गूगल प्ले स्टोर के नियमों को पहले से ज्यादा सख्त किया जा रहा है वहीं गूगल ड्राइव यूजर्स को तेरह सितंबर को नया सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा जिसका इस्तेमाल वो पहले के मुकाबले करके ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकेंगे ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए इन खबर के साथ इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें